नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेबर वेरिएंस प्रैक्टिकल। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से हम आज कैलकुलेशन करेंगे लेबर वेरिएंस। और लेबर वेरिएंस के जो तीन प्रकार के वेरिएंस है उनका हम आज फॉर्मूलों के माध्यम से कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है ये आपको हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं लेबर वेरिएंस प्रैक्टिकल। सर्व विचरण में तीन प्रकार के विचरण के बारे में एक प्रायोगिक प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तथा इसका सल्यूशन फॉर्मूलों के माध्यम से कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको वास्तविक श्रम लागत और परमाप श्रम लागत में जो अंतर है वो कभी आपका वास्तविक श्रम लागत और परमाप श्रम लागत से कम है तो विचरण आपका अनुकूल होगा तथा इसके विपरीत वास्तविक श्रम लागत परमाप श्रम लागत से अधिक है तो विचरण प्रतिकूल होगा। दोनों को आपको ध्यान में रखना है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे आपको इसका यूज भी करना है। वास्तविक श्रम लागत परमाप श्रम लागत से कम तो फेवरेबल और वास्तविक श्रम लागत परमाप श्रम लागत से अधिक तो एडवर्स। ये है हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हम करेंगे सल्यूशन। उत्पाद जो प्रोडक्ट पी है उसकी श्रम लागत आपको दी गई है जिसमें आपको दिया गया है स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेज 4 रुपीज पर हाउस। 4 रुपये आपको स्टैंडर्ड वेजेज है वो प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी होती है और एक्चुअल रेट ऑफ वेजेज वो है 5 रुपये पर हाउस। आपने स्टैंडर्ड रेट 4 रुपये की है लेकिन वास्तव में आपको 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चुकाना होता है और स्टैंडर्ड हाउस पर यूनिट 10 घंटे। एक जो यूनिट हम तैयार करेंगे तो उसमें आपके कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे और एक्चुअल हाउस आपने कितने यूज किए हैं 500 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 5200 और प्रोडक्शन आपने कितना किया है 500 यूनिट का और आपको कैलकुलेशन क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो इसमें एक फिगर आपको कैलकुलेट करना होगा जो कि आपको स्टैंडर्ड हाउस नहीं दिए गए हैं जबकि एक्चुअल हाउस आपको दे दिए हैं और इसके साथ साथ आपको दिया गया है यूनिट का कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से स्टैंडर्ड हाउस की कैलकुलेशन करनी होगी। तो SH की गणना यानी स्टैंडर्ड हाउस की गणना करने के लिए स्टैंडर्ड हाउस फॉर एक्चुअल आउटपुट की गणना इस प्रकार से करेंगे कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितने घंटे लगते हैं 10 और एक्चुअल प्रोडक्शन आपका कितना हुआ है 500 यूनिट का। तो एक के लिए 10 घंटे और 500 के लिए 5000 स्टैंडर्ड हाउस। ये आपका SH कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब हम
सबसे पहले करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन करने के लिए हमारा फार्मूला होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस करेंगे और ये एडवर्स या फेवरेबल दोनों हो सकते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने अभी कैलकुलेशन किसका किया है, ये 500 हाउस हो गए आपके स्टैंडर्ड, ये 500 स्टैंडर्ड हो गए और स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी थी 4 रुपये पर घंटे के हिसाब से और 5200 आपके एक्चुअल हाउस थे और एक्चुअल जो रेट थी वो थी आपकी 5 रुपये। तो ये स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी होगी 20,000 रुपये और एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी होगी 26,000 रुपये। तो ये आपका जो आंसर है वो 6,000 एडवर्स में, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है एक्चुअल कॉस्ट की तुलना में 6,000 रुपये, तो ये एडवर्स हो गया है। अब हम गणना करते हैं लेबर रेट वेरिएंस की, जिसको शॉर्ट में LRV बोलते हैं और इसका फॉर्मूला आपका क्या है, स्टैंडर्ड रेट में से स्टैंडर्ड रेट को लेस कर देंगे और स्टैंडर्ड हाउस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपकी स्टैंडर्ड रेट 4 रुपये पर घंटे के हिसाब से और एक्चुअल रेट 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से और एक्चुअल हाउस आपके है 5,000, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आपका एडवर्स आ गया है क्योंकि एक्चुअल रेट है वो ज़्यादा है और स्टैंडर्ड रेट आपने कम डिसाइड की है, तो ये आपका अमाउंट आ गया 5,200 एडवर्स। एडवर्स और फेवरेबल ये मैंने आपको पहले बताया था। इसी क्रम में चलें तो जो थर्ड जो वेरिएंस है वो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इस वेरिएंस की गणना करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SH माइनस AH इंटू SR। SH की फुल फॉर्म की बात करें तो SH का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाउस और AH का मतलब होता है एक्चुअल हाउस को मल्टीप्लाई कर देंगे SR से। किससे कर देंगे, SR से। SR का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड रेट। क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए SH की गणना जब हमने की थी तो अमाउंट आया था 5,000 हाउस, उसमें से आपको एक्चुअल हाउस 5,200 को लेस करना है और स्टैंडर्ड रेट जो कि 4 रुपये पर हाउस के हिसाब से आपने पेमेंट किया है वो, तो 4 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5,000 माइनस 5,200 इंटू 4 बराबर 800 एडवर्स। ये अमाउंट भी आपका एडवर्स आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड हाउस आपने कम डिसाइड किए थे जबकि वास्तव में स्टैंडर्ड हाउस आपके ज़्यादा लगे हैं प्रोडक्शन का निर्माण करने में। अब इसकी एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, वो आपको पूरा ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आपका आंसर गलत है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरियंस बराबर लेबर रेट वेरियंस प्लस लेबर एफिशेंसी वेरियंस और इसके साथ साथ आइडियल टाइम वेरिएंस जो कि इसमें है नहीं। आपकी लेबर कॉस्ट वेरिएंस का अमाउंट कितना आया था ये देख लेते हैं, 6,000 था। वो किसके इक्वल होगा, लेबर रेट वेरिएंस का अमाउंट आ गया आपका 5,200 और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का अमाउंट आ गया आपका 800। तो देखिए 6,000 का जो वेरिएंस था वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का अमाउंट था 6,000, कितना था 6,000, ये एडवर्स था।
ये इक्वल होगा आपके 5,200 आपकी प्राइस वेरिएंस में ऐड कीजिए ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये आपका अमाउंट हो गया 6,000 और ये अमाउंट भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट भी आएगा आपका 6,000। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका क्वेश्चन का हल है वो एकदम राइट है, आपने क्वेश्चन की गणना बहुत आसान सरल की है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आप ज़रूर वहाँ पर जब आप आंसर इसका तैयार करें तो एग्जामिनेशन हॉल में इसको चेक करते हुए आप इसकी गणना कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।